हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो ESIC SSO का फॉर्म भरने जा रहे हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन आपका ऑलरेडी आउट हो चुका है, 12 मार्च से 12 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका जल्दी कंडक्ट होगा, जो कि आपका मई लास्ट या जून 2022 तक आपका कंडक्ट हो सकता है, क्योंकि ESIC SSO का एग्ज़ाम फटाफट से कराती है और वैकेंसी भी फटाफट से कंप्लीट कर देती है। ठीक है, तो आज मैं आपको प्रमोशन के बारे में मैं बताऊँगा, क्योंकि जब आप तैयारी करने जाते हो तो कहीं ना कहीं आपके पास एक मोटिवेशन होना चाहिए कि ये जॉब जो है वो बाकी जॉब से क्यों बेहतर है, क्योंकि अभी हाल ही में बहुत से ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं, ऐसे में आप सभी कन्फ्यूज़ हो जाते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जॉब मेरे लिए कंफर्टेबल सुटेबल है या नहीं है। साथ ही साथ जितने भी एस्पिरेंट जो ऑलरेडी सर्विस में है, जॉब में है, चाहे आप बैंक वगैरह में हो या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी हो, तो ये आप जान लीजिए कि ये भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब होती है और इसमें आपको क्या क्या प्रमोशंस मिलते हैं, बाकी जॉब से आपके प्रमोशंस इसमें अच्छे हैं या नहीं है। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं हम प्रमोशन की तरफ। लेकिन उसके पहले अगर आप SSO की तैयारी कर रहे हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं आपका स्कोर कार्ड, लिम्स का, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सैलरी स्लिप, बहुत से ऐसे वीडियो जो मैंने आपका दिए हुए हैं इस चैनल पे, आपको राइट साइड में आई बटन में आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी उन सारे वीडियोज की, और एक एक वीडियो आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप एज ए सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर बन जाते हैं उसके बाद पहला प्रमोशन आपका कौन सा होता है। तो पहला जो आपका प्रमोशन होता है वो आपका होता है असिस्टेंट डायरेक्टर का, पहला आपका प्रमोशन होता है, जो कि आपका 4800 ग्रेड पे का आपका होता है। ठीक है, ये ग्रेड पे आपका लेवल 8 के अंदर आता है, जिसमें आपका बेसिक हो जाता है 27600। अब बात करते हैं कि भाई कितने साल बाद आपका असिस्टेंट डायरेक्टर में प्रमोशन होता है SSO से, तो लगभग आपका 4 से 5 साल लग जाते हैं प्रमोशन के लिए। अब ऐसे में बहुत से ऐसे स्टूडेंट ये कहते हैं, अरे सर इसमें ज़्यादा टाइम लगता है या कम टाइम लगता है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो भी प्रमोशन होता है, ये वाला प्रमोशन जो होता है वो आपका रीजन वाइज आपका प्रमोशन होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप एज SSO बन जाते हैं तो आपका क्या होता है, एक रीजन में आपकी पोस्टिंग होती है। मान लीजिए आपका UP रीजन हो गया, MP रीजन हो गया, और उस रीजन में जिस हिसाब से आपका प्रमोशन पॉलिसी आपकी हो रही है, जिस हिसाब से वैकेंसी आपकी खाली है, उसी हिसाब से प्रमोशन जो होता है आपका किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका रीजन वाइज आपका प्रमोशन होता है। लेकिन जब असिस्टेंट डायरेक्टर से आपका जो प्रमोशन होता है, इसके बाद जो आपका होता है वो आपका ऑल इंडिया लेवल पे आपका प्रमोशन जो होता है वो आपका होता है। ठीक है, तो जब आप असिस्टेंट डायरेक्टर से आप जब लगभग 3 से 4 साल अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर से स्पेंड कर लेते हो, तो इसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका होता है डेप्यूटी डायरेक्टर का। ठीक है, अब ये डेप्यूटी डायरेक्टर क्या होता है, डिप्टी डायरेक्टर की जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग होती है। ठीक है, और जो ट्रांसफ़र होता है वो हर 3 साल में इनका जो होता है ट्रांसफ़र होता ही होता है, 3 से 4 साल में आपका हो जाता है एक रीजन से दूसरे रीजन में। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जान लेनी चाहिए कि डिप्टी डायरेक्टर आपकी पोस्ट एक ही होती है, लेकिन इनमें आपके ग्रेड पे जो होते हैं वो आपके 3 हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जो लेवल्स होते हैं सैलरी के वो अलग अलग हो जाते हैं। किस तरीके से होते हैं वो मैं आपको बता दूँ कि पहला जो आपका लेवल होता है वो आपका लेवल 9 का होता है। ठीक है, 5400 ग्रेड पे सेम होता है लेकिन बेसिक आपका उसमें कम होता है। तो इस लेवल 9 में सबसे पहले आप पहुँचते हो, फिर जैसे ही यहाँ पर आपको ऑलरेडी 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद फिर आप लेवल 10 में आते हो, जो कि आपका 5400 ग्रेड पे ही कहलाता है लेकिन बेसिक आपका बदल चुका होता है। ठीक है, और जैसे ही आप लेवल 10 में आप पहुँच के लगभग 2 साल आप स्पेंड करते हो, उसके बाद आप पहुँचते हो लेवल 11 में, जो कि आपका होता है 6600 ग्रेड पे में। ठीक है, ये आप जान लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर STS पे स्केल, ठीक है, ये आपका पूरा लिखा हुआ है। तो आपको डिप्टी डायरेक्टर के तौर पे अगर हम मोटी मोटी अगर हम बात करें तो लगभग आपको 7 से 8 साल यहाँ पे बिताने होते हैं। आपकी पोस्ट एक ही रहती है, सिर्फ आपकी सैलरी जो होती है वो आपकी कहीं ना कहीं हर 2 से 3 साल में प्रमोशन के बाद आपकी इंक्रीज होती रहती है। यहाँ पे आपका प्रमोशन नहीं मिलता है, बट लेकिन ये है कि आपका जो सैलरी होती है वो बढ़ सकती है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि सेम पोस्ट पे आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, और ये कोई बेसिक इंक्रीमेंट नहीं होता है, ये एक नॉर्मल आपका जो प्रमोशन जैसा होता है उसी तरीके से आपका रहता है, लेकिन डिपेंड करता है आपका जो अलग अलग सबसेक्शंस होते हैं उनमें आपका पोस्टिंग वगैरह जो होती है वो आपकी हो जाती है, जिसमें हायर की आपकी बड़ी हो जाती है डिप्टी डायरेक्टर की। ठीक है, और यहाँ से आपकी ग्रुप ए की जर्नी जो है वो आपकी स्टार्ट होती है। जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो आपकी पोस्ट होती है वो आपकी ग्रुप बी की आपकी पोस्ट होती है। ठीक है, गैस्टेड ग्रुप बी की होती है, लेकिन अगर हम बात करें डिप्टी डायरेक्टर की तो ये आपकी ग्रुप ए की आपकी पोस्ट रहती है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रमोशन होता है, अब जैसे वहाँ से आप 7 से 8 साल कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद जब आप लेवल 11 में वहाँ पहुँच चुके होते हो, उसके लगभग 3 साल बाद आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका आता है ज्वाइंट डायरेक्टर का।
ठीक है। एक चीज़ मैं बता दूं कि ये जो प्रमोशंस होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर के बाद से, मतलब डिप्टी डायरेक्टर के बाद से, ये ऑल ओवर इंडिया प्रमोशंस आपके जो होते हैं वो ऊपर होते हैं, और ऑल इंडिया आपकी सीनियरिटी लिस्ट भी जो है वो आपकी बनती है। अभी मैं आगे आपको सीनियरिटी लिस्ट में मैं आपकी लाऊंगा कि किस तरीके से सीनियरिटी लिस्ट जो है वो आपकी अभी तक है, ठीक है। तो तीसरे प्रमोशन में आपका जॉइंट डायरेक्टर बनता है, जिनमें आपका सैलरी जो होती है वो लेवल 12 की आपकी सैलरी हो जाती है, और कहीं ना कहीं जॉइंट डायरेक्टर मतलब ये होगा कि आपकी जो पोस्टिंग होगी लगभग लगभग आपके हेडक्वार्टर वगैरह में आपकी पोस्टिंग जो कि आपका दिल्ली वगैरह में रहते हैं आपकी रहती है, और कहीं ना कहीं रीजन में भी अगर आप हो सकती तो रीजन में भी एक हेडक्वार्टर सेक्शन वगैरह में या कोई मेन सेक्शन का जो हेड होता है उसकी उसके तौर पर आपकी पोस्टिंग जो है वो आपकी रहती है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर आपका कोई भी प्रमोशन वाइज आपका कोई भी एग्जाम नहीं होते, जैसे बहुत से ऐसे स्टूडेंट कहते कि यार यार इसमें कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं ये होते हैं, आपका सिर्फ जो डिपार्टमेंटल एग्जाम स्टार्ट होता है वो यूडीसी के लिए स्टार्ट होता है, एमटीएस के लिए होता है और स्टेनो के लिए होता है। बाकी इसके अलावा अगर आप एज एसएसओ ज्वाइन करते हैं उसके बाद आपको कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम आपको नहीं देना होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जॉइंट डायरेक्टर बाद, तो जॉइंट डायरेक्टर बाद आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है आपका डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर के तौर पर। अब डायरेक्टर क्या हो गया, अगर आप हेडक्वार्टर दिल्ली वगैरह में पोस्टेड हो तो आप एज डायरेक्टर कहलाओगे, अगर आप रीजन में पोस्टेड हो तो यहाँ पर आपका रीजनल डायरेक्टर कहलाएगा, और यही डायरेक्टर जो होता है वो आपका हेड होता है, ठीक है। तो ये आप जहाँ ध्यान कर लीजिए कि इसमें आपका जो लेवल होता है वो आपका लगभग 13 के आसपास आ जाता है, लेवल 13 की आपकी ये पोस्ट होती है, और आप समझ सकते हो कि ये जो लेवल 13 है ये आपका सबसे पीक लेवल होता है, मतलब सेकंड लास्ट आपका ये पीक लेवल होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं मतलब यहाँ तक पहुँचने के बाद आप बहुत ही मतलब एक अच्छी पोजीशन पर पहुँच चुके होते हो। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ मतलब एज ए 30 एज जैसे मान लो इसमें आपकी जो एज लिमिट होती है जनरल के लिए 21 से 27 होती है, ठीक है। ओबीसी के लिए आपकी रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी के लिए भी आपको मिलता है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो अगर आप इस एज के बीच लग जाते हो तो मैं आपको क्लियर कह दूँ कि आपका जो डायरेक्टर या रीजनल डायरेक्टर का है उसमें आप फाइनली जो है वो आप प्रमोट हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ओबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से हो अगर आपको एज रिलैक्सेशन मिला हुआ है तो कहीं ना कहीं आपका इस पोस्ट तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, इसके बाद जो आपका पांचवा प्रमोशन होता है वो आपका होता है एडिशनल कमिश्नर का आपका प्रमोशन होता है, और ये आपका जो प्रमोशन होता है वो आपका इसमें आपकी सैलरी हो जाती है 13A। 13A आपकी सैलरी आप सोच रहे होंगे तो आपका ये 8900 ग्रेड पे हो जाता है, इसमें आपका बेसिक जो होता है वो आपका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो आपका होता है इंश्योरेंस कमिश्नर, और यही प्रमोशन होता है वो सबसे लास्ट प्रमोशन होता है, सबसे लास्ट हायर की जो है वो आपकी एसएसओ की प्रमोशन की सबसे लास्ट यही है, और इसमें आपका लेवल 14 का आपका सैलरी आपकी हो जाती है। और कहीं ना कहीं ये जो पोस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है, और इस पोस्ट तक पहुंचने के लिए आपको कहीं ना कहीं अर्ली एज में 21-22 साल में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप इस पोस्ट तक बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं, लेकिन अगर आप 26-27 साल तक पहुँचते हैं तो आप जॉइंट डायरेक्टर तक ही पहुँच कर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं ओवर और बात कहूँ तो यहाँ पे जो फ्यूचर है वो एकदम आपका बहुत ही ज़बरदस्त आपका रहने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हाँ मतलब कि नहीं, तो मतलब इवन मैं खुद ये बताऊँ कि मैं जिस हिसाब से इसको देखता हूँ तो कहीं ना कहीं आज एसएससी सीजीएल में आपका क्या है कि बाकी कुछ पोस्ट छोड़ दो, लेकिन अगर उसमें अगर आप इतना मेहनत करते हो जितना मेहनत अगर आप एसएसओ में कर लो तो आपको होम पोस्टिंग भी मिल जाएगी, और कहीं ना कहीं जो आपको रिस्पेक्ट वहाँ मिलती है वो रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर भी मिलेगी, और यहाँ पर भी आपको इंस्पेक्शन वगैरह की अथॉरिटी होती है। तो ओवरऑल आप एक तरीके से सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर होते हो, तो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कराते हो, तो आप खुद समझ सकते हो कि एक रिस्पेक्टेड जॉब होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आगे आपको बहुत सी ऐसी वीडियोज आने वाली हैं जो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेट करेंगी इस पोस्ट की तैयारी के लिए। ओके।